की यही औषधि है। और ये औषधि क्या क्या करती है, अगर हमको खराब से खराब एक बीमारी पोट की है, हार्निया, हार्निया की भी यही औषधि है, यही औषधि है। खाली एक शाम एक समय भी ले लो ना शाम को, तो भी ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत कड़क औषधि है। शाम को ही ले लो एक बार तो भी बहुत अच्छी है, खाने के आधे घंटे में। और ये औषधि एक और अद्भुत काम करती है। ये कल कौन था जिसको जुकाम हुआ था, सुबह? तो जिसको भी जुकाम हो जाए और नाक बंद हो जाए उसकी भी यही औषधि है। सर्दी, और सर्दी जुकाम के साथ खोखला हो जाए उसकी भी यही औषधि है। मल्टीपर्पज है ये। और रात को काम करने वाले और दिन को सोने वाले लोगों की भी यही औषधि है। रात को काम करें और दिन को सोए, उनको बीमारी ही बीमारी आती है, उनकी भी यही औषधि है। जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, नहीं काम दिन में ही करना, रात को सोना, लेकिन कोई मजबूरी है तो रात में भी काम करना है, उसके बाद कोई तकलीफ हो जाए तो उसकी ये औषधि है। और ये बता देता हूं कि जो लोग शरीर श्रम नहीं करते, सिर्फ दिमाग से काम करते हैं, उनको कुछ भी हो जाए तो उनकी भी यही औषधि नहीं, नहीं। ये कम से कम 45 रोग ठीक करती है, लेकिन सभी नहीं ठीक करती। 100 रोग तो बहुत है, 148 से ज्यादा है। और एक बता देता हूं, लीवर में कैंसर हो जाए तो उसकी भी यही औषधि, लीवर में कैंसर। और पित्त की थैली में पत्थर हैं, उनको भी तोड़कर निकालेगी ये औषधि मदद करती है, बर्बरिस के जैसा ही। पित्त की थैली में पत्थर है तो उसमें भी ये काम आते हैं। और किसी व्यक्ति को एक बार में पोट साफ नहीं होता, बार बार संडास जाना पड़ता है, उसकी भी यही औषधि। और कई लोगों को ऐसा होता है कि एक दिन जुलाब हो गया, एक दिन कोष्ठबद्धता हो गई, ऐसा चलता है, उनकी भी यही औषधि। ये औषध लगभग 45 से 48 रोग में काम आती है। अब आखिरी बता देता हूं कि बुखार आ जाए, सर्दी के साथ बुखार, जुकाम के साथ बुखार, सर्दी जुकाम खोखला बुखार, तो भी यही औषधि। इस औषध से मैंने 40-40 साल पुराने लोग ठीक किए हैं जो जुकाम से पीड़ित हैं। 40 साल हो गया जुकाम मिटता नहीं, उनका भी मिटा दिया इसने। सर्दी, सर्दी के साथ ताप, ठीक है, बच्चों को भी है, ये बड़ों को भी है, स्त्री को भी है, पुरुष को भी है। बच्चों को ये औषध देना हो तो एक थेम पानी में डाल के, चौथाई कप पानी में डाल के उसमें से 2-2 चम्मच पानी पिलाना बच्चों को। बड़े लोगों को सीधे एक एक थेम जीप पे डाल दें। बच्चों को खाली साफ और सर्दी आती तो भी ये औषधि। ठंडी लग के कुछ भी न हो तो यही औषधि है। ठंडी कभी भी लग के कुछ भी आए, मलेरिया आता है, उसकी भी यही औषधि। ठंडी लग के कुछ भी हो, और ऐसे लोगों की ये सबसे अच्छी औषधि है जिनको गर्मी में भी ठंडी लगती है। अभी हमको मालूम है कि कड़क धूप है तो कहेंगे यार बड़ी ठंड लग रही है, तो इसको ये औषधि दे दो, 2 मिनट में ठंड गायब कर देती। सबके चलते ठीक है, इतने सारे काम नहीं आते। बच्चों को बताया एक थीम पानी में डालना चौथाई तक, फिर उसमें से 2-2 चम्मच पानी पिला देना। अब आगे चलते, पेट दुखने की भी यही औषधि लिखी लो आप। किसी भी कारण से पेट दुखता है, खाना हजम नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, गैस बन रही है, गैस बनने की भी यही औषधि है।
है, 5 रुपए में 5 ml मिलती है, 5 ml में 100 लोगों का इलाज कर देते हैं, 5 रुपए में 100 लोग ठीक होते हैं, इतने सकते हैं। इसको हम होम्योपैथी में रामपाल औषधि कहते हैं।